गौतम अदानी की लेकर बैंक में कांग्रेस का हल्ला बोल। तारांकन बुलंदशहर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एसबीआई शाखा पर हल्ला बोल। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप पर घोटाले का आरोप लगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया एसबीआई पर धरना। कांग्रेस ने की केंद्र सरकार से जेपीसी की मांग। अदानी ग्रुप की 400 कंपनियां फर्जी, सरकार कराए जांच। निवेशकों को लाखों करोड़ों रुपए का शेयरों में हुई गिरावट से हुआ है नुकसान। बुलंदशहर के कांग्रेसियों ने एसबीआई पर धरना प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग। मामला ये है, आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी का जो घोटाला खुला है, 400 कंपनियां उनकी फर्जी हैं और देश का बहुत सारा पैसा उनके ऊपर कर्जे के की माफी उनको दिया गया है, जो आरबीआई की गाइडलाइन के नियम विरुद्ध है। परंतु उन पर इतनी मेहरबानी मोदी जी की सरकार कर रही है कि उनसे ये पूछा नहीं जा रहा कि ये जो गलत काम उन्होंने करे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। पार्लियामेंट में अगर हमारे नेता कुछ बोलते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, पार्लियामेंट चली है उसको स्थगित कर दिया गया है। एक उद्योगपति जो पूरे देश में बहुत प्रभाव डालते हैं, उन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा है कि आज देश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC सब डूबने की कगार पर हैं। खातेदारक जो है बहुत चिंता में है, देश की जनता जो है परेशान है। देश जो है श्रीलंका का रूप ले सकता है, पाकिस्तान जैसा रूप ले सकता है। जैसे कि हालात वहाँ पर हैं ऐसे ही हालात हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकता है। अध्यक्ष जी, आप यहाँ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांगों को लेकर धरना? हमारी एक ही मांग है जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की मांग जो उन्होंने जो संसद में उठाई है कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्र को इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक बना दिया फर्जी तरीके से, जिनकी 400 कंपनियां तो सिर्फ शेयर घोटाले का ही काम करती हैं विदेशों में, और सारा संपत्तियां जो बेची हैं, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारी बैंकों से, सरकारी संस्थाओं से नियमों को ताक पर रखकर उनको दिलवाया गया है, उसके खिलाफ जो जाँच की मांग हमारी है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में उठाई कि भाई इसकी कम से कम JPC से मांग हो, जांच हो जाए या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में जांच हो जाए, तो जांच की हमारी मांग है। जांच से सरकार क्यों भाग रही है? तो हम चाहते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति से या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में ये जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यही हमारी डिमांड है। और हम क्या चाहते हैं, धरने पर हम बैठे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है, जब तक जो उसका निर्देश होगा वो हम उसका पालन करेंगे जितना जो भी होगा।